बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी हम बनाने लगे हैं बेसन का हलवा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी में डिफरेंट किस्म के हलवे ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा और उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो मेरे नए देखने वाले हैं, अगर उन्होंने अभी तक मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हम बनाएंगे बेसन का हलवा। बोलिए सर, बहुत मज़े का लगता है और इसी की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमें गोश्त चाहिए, पानी में गर्म करने के लिए रख दिया है और अब लेंगे गुड़। ये वाइट वाला बोरा है देखें, और इसको आप हम इस शीरे में क्लिक करके इसका शीरा बनाएंगे अच्छा सा। और बेसन भी हम निकाल लेते हैं। ये वाला कप है और मैंने दो कप लौटी मैंने मैट करने के लिए। इलायची डालेंगे मैं इसी शीर में, चूल्हा करेंगे तेज और अच्छा सस्ता हमें शीरा बना लेना है ठीक है। चीनी में ज़्यादा कैलरीज होती हैं और गुड़ में कम होती हैं, तो आप क्या प्रेफर करेंगे आप हमें मुझे ज़रूर बताना है। मैं तो वैसे गुड़ प्रेफर करती हूँ लेकिन अक्सर चीनी भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मौके मैं थोड़ी कम मिकदार में डालती हूँ। तो अच्छा सा शीरा बनाएंगे और तब तक हम निकालेंगे अपनी कढ़ाई। और ये अच्छा सा शीरा बन गया तो फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ। ये देखें जी, ये शीरा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम अलहदा से रख लेंगे ठीक है। इलायचियाँ मैंने इसी में डाल दी थी। तीन चम्मच मैंने घी लिया है और इसमें मैं इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी ठीक है। दो कप हमारे पास बेसन है और इसमें होगा अच्छे से फ्राई। ऐसा करेंगे
इसको अच्छे से कुक होना होता है, और अगर ये अच्छे से कुक ना हो तो क्या होता है कि कच्चा टेस्ट आता है फिर इसमें बेसन में से। इसको मैं 5 मिनट कुक करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। कलर इसका चेंज हो गया है, अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे अपना गुड़ वाला शीरा। अब आ गया है इसका असल काम, इसको मुसलसल चलाना है हमें, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए हलवे में, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा चला के गुठलियाँ ख़त्म करूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। चले जी, हलवा हमारा रेडी हो गया है, साथ लगने शुरू हो गया और ऑयल भी इसमें छोड़ दिया, तो अब हम बस करेंगे फ्लेम ऑफ करेंगे। और बहुत गर्म है, ज़रा ध्यान से आप ही, मुझे भी काफ़ी छींटे इसके ऊपर पड़े हैं। तो मैं बन गया हमारा हलवा, फ्लेम ऑफ। चलिए जी, आप सर्व करके बताते हैं, बहुत मज़े का लग रहा है। बेसन का हलवा बहुत मज़े का लगता है मुझे तो। ये देखें इसकी लुक, फाइनल लुक। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो के साथ। अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।